Because that's essential. Some of us may want to leave or have other time stuff. So we'll do the photo first and then we'll get into the whole thing. Raghu, aa jao bhai. Hansal, you're there. Hansal's there. Flash. So are we all in the frame? Are you happy with the frame? We'll just wait for Hansal to come. Bilkul jaadu to lagao hi lagao. Okay, bhai, photo. All right, everyone, please. Yeah. अरे खैरो यार अभी फोटो कंप्लीट नहीं है अभी झाड़ू आने दो प्लीज डोंट क्लिक इट नाउ डोंट क्लिक इट नाउ प्लीज अदरवाइज वी जस्ट कीप डूइंग इट एंड यू माइट सेंड द रॉन्ग वन फॉर पब्लिशिंग व्हिच वी डोंट वांट भारत माता के नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट ना दें क्योंकि वो यहाँ के और वहाँ के हैं। मुझे लगता है किसी ने उनका टेटुआ दबा दिया। प्रॉब्लम है, किसी ने टेटुआ दबा दिया। अभी अभी वो नहीं कर रहे थे, काले धन की बात कर रहे थे, वही बाबा रामदेव है ना, वही वही वो जो पूछने गया था काले धन के बारे में, जानते हैं और ये हरिद्वार वासी जानते हैं जो कि हरिद्वार से हैं। मैं मसूरी से हूं तो मैं इस बात को जानता हूं।
कि रामदेव बाबा ने वहां जितनी जमीन गैर कानूनी दबाई थी उसका वो जवाब दे देंगे क्या? वो एक सड़क छाप आदमी का जवाब ही दे देंगे। बाकी और कुछ कर रहा है या ना कर रहा है, हम ये कर रहे हैं और ये हम पूरी स्वेच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी धनलोभ के कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं। वो क्या है, कोई बात नहीं है, कोई 1% है तो उसको समझ में आ ही जाएगा। वैसे अरविंद केजरीवाल को भी पता है वो क्या है, वो कौन है, ठीक है ना? और मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे और सभी लोग के सवाल पूछेंगे, सवाल पहले पूरा बोल लीजिए और किसके लिए सवाल है ये स्पेसिफिकली। हम सब सब सवाल एक सवाल का जवाब सब सब नहीं दे सकता। लघु आप लोग अच्छे से शोज प्रेजेंट करते हैं, यूथ की काफी कनेक्टिविटी है हमारे में पार्टी के साथ में, जो सबसे ज्यादा लहर देखने को मिल रहा है वो यंगस्टर्स में मिल रहा है। तो आप लोग क्या अपने शो के द्वारा भी इसको सपोर्ट करेंगे? जो भी हमारा काम है वो एक पॉलिटिकल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल उसमें खुल के नहीं आता है, वो काम है हमारा। बट हमारे काम की वजह से हमारी एक पहचान है, लोग हमें थोड़ा बहुत जानते हैं और वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका इस्तेमाल करें। एक हमें आवाज़ मिल जाती है कुछ लोगों के लिए और उस आवाज़ को हम इन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। काम करती है लोगों के सामने वो दिखाते हैं कि वो प्रतिबंधी है, जो इस बारे में क्या कहेंगे? हम सब बहुत कुछ। महाराष्ट्र का जो इरिगेशन स्कैम है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र के इरिगेशन स्कैम में ये बहुत क्लियरली स्टैब्लिश हुआ था कि भाजपा एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलके जब ये आरटीआई उनके पार्टी के फंडिंग का सोर्स आरटीआई से कैसे आता, सब पार्टी एक साथ आके उन्होंने बिल लॉ पास किया, एक भी पार्टी थी उसमें जिसने मना किया, इसका विरोध किया, नहीं किया ना? आज की डेट में पार्टी की फंडिंग आरटीआई के अंदर है नहीं है, तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिल के अपनी चोरी का धन छुपाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च को जजमेंट दिया है कि दे हैव बोथ फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगल फॉरेन फंडिंग, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये दोनों ने मिलकर किया, ये एक और उदाहरण। और देखिए चोर मौसेरे भाई होते, इन दोनों ने अभी तक की जो राजनीति करी वो वही करी जो कि अंग्रेज हमारे, बल्कि अंग्रेजों ने तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स वगैरह रेल वगैरह भी बनाई, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो जब ये इनका जो परिणाम है, जिस जो चॉइस हमने अभी तक 67 साल से हम करते आ रहे हैं उसका परिणाम ही गलत है और दोनों ने वही परिणाम दिए हैं, तो हम इनको भाई भाई कैसे नहीं माने? आप ये बताइए, जो भाजपा है वो हिंदुत्व का, जो हमको बोले हमको पकड़ो है हमको फांसी लगा दे, लेकिन आप एक जगह के सरबरा हो, एक कातिल एक फैमिली का सरबरा नहीं हो सकते। मेरा भाई कातिल है, हम उसको फैमिली भी एक सरबरा नहीं बना सकते। आप एक गुजरात के सरबरा थे, आप उस दंगे को रोक नहीं पाए, आप देश को रोकेंगे? अभी से हिंदू मुस्लिम धर्म को लड़ाना चाहता है, अगर वो आएगा तो देश में कैसे दंगे होंगे? कांग्रेस और बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी रही है आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने की, ना दिखाने की। यहाँ हम लोग जो साथ आए इसलिए आए कि हम लोगों को लगा था कि टीवी और प्रेस जो मीडिया न्यूज है वो ज्यादा कवरेज नहीं दे रही आम आदमी पार्टी को। नहीं बिल्कुल गलत नहीं लग रहा, ये तो मैडम मैं आपको बताता हूँ, आज आप इसलिए यहाँ आए हैं कि हम सब एक साथ आए हैं, आपके लिए गाने बजा रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं, आपको मतलब बिल्कुल ऐसे कर करके बुलाके। बट मैं एक बड़ा पॉइंट आपसे आपके द्वारा जनता तक उम्मीद करता हूँ, आज आपकी ये चीजें तो डालेंगे अपने स्पीच पर, इसके जिस चीज को मोदी लहर बनाया जा रहा है पता नहीं कितने हजार करोड़ की पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा करके, वो सिर्फ एक ही चीज थी कि आम आदमी करप्शन से तंग आ गया और कुछ नहीं। मैं उस एंटी इनकम्बेंसी इमोशन को उठाकर उस पे छाप अपनी लगा के आगे बेचा जा रहा है, तो मेड इन चाइना की छाप लगती है ना। ये सारे पॉइंट्स अगर आप तो मेरे मीडिया के हैं, आपको तो बिल्कुल इस बात का ज्ञान होगा, ये सारे पॉइंट्स ओरिजिनली आम आदमी पार्टी पर्सन इन्फ्लेशन का
there, we spoke to them, a lot of people were waving and coming and talking to us. This was an exercise that is kind of symbolic for what we feel about the country and about the electorate process. And I hope you guys like what you saw. You guys and even your bosses can, you know, have the guts of, you know, putting it on air. Can I say something? ये हमारा एक थ्री प्रॉन्ग अटैक है, ये तीन तरफा हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला है ऑन ग्राउंड। अब हमारे पास पैसे नहीं है 500 करोड़ राहुल बाबा या मोदी जी की तरह एक लहर दिखाने के, हर जगह होर्डिंग लगाने के, तो हम खुद होर्डिंग बन गए हैं। एक होर्डिंग लेके हम खड़े हो गए हैं, हाथों में दर्द हो गया है, जूते फट गए हैं। हमारे कैंपेन यही है हमारे, ठीक है, लेकिन हम होर्डिंग बन गए, हम मुफ्त के होर्डिंग हैं। सबसे पहली बात ये ऑन ग्राउंड है। दूसरा आप लोग हैं मीडिया, जो कि इस जैसे हसमुख इन जैसे हसमुख चेहरे को देखने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, थोड़ा सा पीछे हो गया अपने अपने दिल का, मेरा जो एंथुसियाज्म था वो थोड़ा घट गया, क्योंकि मैं भी शायद उन करोड़ों लोगों की तरह बहुत जल्दी बहुत कुछ चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने बड़े ठंडे दिमाग से इस बात को सोची कि अगर मैं केजरीवाल जी के जगह पर, मैं दैट इज इनफ फॉर कांग्रेस एंड बीजेपी पार्लियामेंट की आप के पास हमारे बीजेपी आरजेडी लोकसभा की आप फुटेज दिखा दीजिए, लोकसभा में इन्होंने अपना बिल पेश करना है।